हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री मिनरल मेटाबॉलिज्म हम कर रहे हैं सत्यनारायण से एंड टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज गोइंग टू बी क्लोरीन मेटाबॉलिज्म शॉर्ट टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट क्लोरीन के बारे में सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि इट इज यूजली प्रेजेंट इन द बॉडी इज अ कॉन्स्टिट्यूवेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड यू नो सोल्ट पे हम काफ़ी ज्यादा बात करते हैं सो सोडियम क्लोराइड इज वन ऑफ द सॉल्ट एंड क्लोरिन इज यूजली अ कॉन्स्टिटूंट इंटीमेटली रिलेटेड एक वर्ड इन्होंने यहाँ यूज़ किया है कि हैंस मेटाबॉलिज्म ऑफ क्लोरीन एंड सोडियम आर इंटीमेटली रिलेटेड एंड सो क्लोज टू ईच अदर कि जब कभी सोडियम की बात आएगी साथ क्लोरीन की भी बात आएगी राइट right? तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर याद होनी चाहिए कि क्लोरीन इज यूजली डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ मिनरल मेटाबोलिज्म इन ए क्लोज रिलेशनशिप टू सोडियम ओके जैसे हम बाकी तमाम मिनरल्स के लिए बात कर रहे हैं कि वॉट आर देयर

तो वर्ड क्लोरीन इस तरह यूज़ होता है लेकिन क्लोराइड फिर एक वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ यूजली द आयोनिक फॉर्म सी एल नेगेटिव, राइट तो आपको इन टर्मिनोलॉजीज में डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हेन वी आर सेइंग क्लोरीन, तो केमिस्ट्री uh, की रूल्स के हिसाब से दैट क्लोरीन बेसिकली इंडिकेट्स द गैस एंड क्लोराइड बेसिकली मीन्स द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल Okay. So, chloride is involved in, मैं बता रहा कहीं वर्ड क्लोरीन यूज हो रहा होगा कहीं क्लोराइड यूज हो रहा होगा तो यू शुड नो दिन प्रेशर दीज फंक्शन ऑफ क्लोराइड विद सोडियम एंड पोटेशियम सो इट सेल्फ क्लोराइड जो है वो अकेले से इतना डिस्कट नहीं होता बट यू नो दैट इट इज आदर क्लोजली रिलेटेड विद सोडियम इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड सो वैर एवर वी से के किसी सोल्यूशन में या बॉडी के किसी कंपार्टमेंट में देर इज़ मोर सोडियम क्लोराइड सो ओबियसली सोडियम इज़ अ वेरी वेरी ऑसमोटिकली एक्टिव पार्टिकल तो वहाँ पर जहाँ सोडियम की कॉन्सन्ट्रेशन ज़्यादा है यूजली क्लोराइड की भी ज़्यादा होती है एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ ऑसमोटिक पार्टिकल सोडियम के बाद अगर कोई दूसरा आइटम है जिसके साथ क्लोराइड बहुत क्लोजली इंटीमेटली अटैच होता है दैर इज़ दैन द पोटासियम Okay, so this is one function: acid-base equilibrium and osmotic pressure. The second thing is chloride is necessary for formation of HCl in the gastric juice. This is very very important because in gastric juices stomach HCl is um, very important for multiple reasons. For digestion role antibacterial activity may role proper mixing of food uh, different enzymes keep proper activity hcl is required in your stomach and you see what is one of the integral component of hcl obviously chloride okay chloride shift involves the active participation of chloride ions so whenever we are talking about chloride shift in various compartments of the body obviously chloride shift by name indicates the involvement of chloride and the enzyme salivary amylase is activated by chloride so digestion ka process your oral cavity may start ho jata hai by salivary amylase chloride is required for this so it's one of the important component of your salivary secretions as well okay so pretty important functions ना कितना आपको डाइट में चाहिए होता है डाइटरी रिक्वायरमेंट जो है क्लोराइड की वो यूजुअली इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट पूरी होती है सो वी टेक सॉल्ट ऑब्वियसली एंड फाइव टू टेन ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज रिक्वायर्ड तो उसमें इनफ़ क्लोराइड होता है आपकी बॉडी के लिए सो एन टेक ऑफ सोडियम विल सैटिसफाई द क्लोराइड रिक्वायरेंट बिकॉज सोडियम यू आर टेकिंग इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड द सॉल्ट इज यूजअली अलॉन्ग विथ सोडियम इट इज ऑल्सो कंटेनिंग क्लोराइड तो क्लोराइड आप बेसिकली सॉल्ट ले रहे हैं so तो क्लोराइड आप ठीक ठाक ले रहे हैं सोडियम के साथ ट इन कॉमन सॉल्ट बिकॉज कॉमन सॉल्ट इज एन ए सी एल और यह कुकिंग में यूज ही होता है आपको पता है टेस्ट के लिए इसको यूज करते हैं होल ग्रेन्स में काफ़ी ठीक ठाक क्लोराइड है वेजिटेबल्स एग्ज एंड मिल्क इट इज एब्जॉर्ब इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस विच मीन्स कि अगर जिया यापिथीलियम बिल्कुल ठीक ठाक है उसमें कोई गड़बड़ नहीं है तो इट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन द जिया

this is due to the fact that protein content is low in the serum and therefore chloride is higher in order to maintain the denan membrane equilibrium so a uh, word maybe i explained but just remember csf we need more chloride and we have more chloride to maintain the equilibrium because there is less protein in csf okay so they basically make up for the reduced amount of protein there there exists a parallel relationship between excretion of chloride and sodium. So the renal threshold for chloride is about 110. to 10. If it is more in serum, it will be going out of the body. And many of the time, if you are losing sodium, um, it also affects chloride excretion. Two terminologies: uh, hypochloremia, obviously decrease chloride concentration, and hyperchloremia. So wherever there is a reduction in serum chloride level.

Uh, issues so the symptoms will be pertaining particularly to sodium but chloride concentration may go down in these scenarios and hyperchloremia so if there is an increase in the serum chloride concentration which can be because of opposite to edison cushing syndrome for example opposite to alkalosis acidosis for example or dehydration so there will be increase in chloride concentration but again the primary symptoms will not be pertaining to chloride increase in concentration but that will be uh, more pertinent to other stuff like sodium and issues right so that was all about the chlorine um, metabolism simple straightforward topic that's it just go through the video few minutes and you are fine with chlorine okay in the next video we will talk about sulfur metabolism take care of yourself